देखिए इस रिपोर्ट। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। हमेशा हमने हर माह में भारत को सबक सिखाया है। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। 100% बाहर के लोग कह रहे हैं कि उनको इस इकोनॉमी पे एतमाद नहीं है। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। खाने को नहीं है दाने और मंत्री जी चली परमाणु चलाने, ये पाकिस्तान की गरीबी उन्मूलन मंत्री हैं। जिम्मेदारी पाकिस्तान से गरीबी और फकीरी मिटाने की है और बात गाल थप्पड़ बम गोले बारूद और परमाणु हमले की कर रही हैं। पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए उल फूल बक सकता है तो ये उसकी गलती है। मंत्री जी परमाणु बेचकर कुछ पैसे ही जुटा लीजिए ताकि आपके देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जगह जगह कटोरा न निकालना पड़े। सुनिए पाकिस्तान के पीएम का दर्द। उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। सोचिए जिस पाकिस्तान के फटे हाल हैं, पाकिस्तान में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, उस देश की गरीबी हटाओ मंत्री को पाक के लोगों को सुनना चाहिए। हमें कुछ चीज का नहीं पता, हमें सिर्फ है रोटी हमें मिले बस दो टाइम की। सबको कमर तोड़ महंगाई है, समझ नहीं लगती, रात को नींद ही नहीं आती कि यार सुबह कहाँ से कैसे कमाएंगे, क्या किस तरह करेंगे, रात को चूल्हा कैसे चलाएंगे घर का जाके। काफी अच्छे से महंगाई बहुत ज्यादा अखीर हो गई हुई है, क्या कह सकते हैं। अब हुकूमत भी डामाडोल है, यानी कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा क्या करना है। मंत्री जी सुन लो अपने देश के लोगों को, पहले उन्हें रोटी तो दे दो फिर शेखी बघारना। पाक की आर्थिक हालत की सच्चाई किसी से छिपी नहीं। 88% पाकिस्तान के सरमायाकार कहते हैं कि उनके ऊपर इस पे एतमाद नहीं है। 100% बाहर के लोग कह रहे हैं कि उनको इस इकोनॉमी पे एतमाद नहीं है।